झुंझुनू के बाजवा गांव में घर में सो रहे बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या उसके ही रिश्ते में लगने वाले भतीजों ने की थी, यह कहना है झुंझुनू पुलिस अधीक्षक का। मंगलवार को प्रेस वार्ता में झुंझुनू पुलिस अधीक्षक राजश्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई की रात्रि को झुंझुनू के मंडरेला थाना अंतर्गत बाजवा गांव में खेत में घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हमला करके निर्मम हत्या की गई थी। उस मामले में पुलिस ने करीब 35 लोगों की टीम गठित की और 160 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके बाद इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी नवीन कुमार और अर्पित दोनों को झुंझुनू पुलिस ने गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में मृतक बुजुर्ग दंपति के भतीजे भी लगते हैं और जमीनी विवाद के चलते दोनों ने हत्या की थी। इनका इरादा मृतक दंपति के बेटे को भी मारना था, मगर वह उस दिन घर के अंदर सो रहा था, इस वजह से उस पर हमला नहीं कर पाए। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। 31 जुलाई की सुबह हमारे पास ये सूचना आई कि मंडरेला थाना क्षेत्र में बजावा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की काफ़ी निर्मम तरीके से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जिस तरीके की घटना थी और जिस तरीके से हत्याकारित किया गया था उसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे ज़िले लेवल की एक हमने स्पेशल टीम का गठन किया जिसमें करीब 35 लोग थे। ये 35 लोगों को अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, सबका अपना अपना काम दिया गया और पिछले 5 दिनों से ये अथक प्रयास कर रहे थे। करीब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की इन्होंने, 160 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, साथ ही साथ जो तकनीकी जो विश्लेषण करते हैं चाहे वो सीडीआर हो, बीटीएस हो, टावर डंप एनालिसिस हो, वो सारा चीज़ कर रहे थे और इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमने दो जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नवीन और अर्पित हैं। ये आरोपी के परिवार के ही सदस्य हैं। काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था कि एक तो मृतक और उनके पत्नी को मारना है, साथ ही साथ इसका इरादा उसके बेटे को भी मारने का था और उस दिन भी इसने कुछ देर इंतज़ार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। प्लानिंग कुछ महीनों से कर रहा था पर फाइनली अभी 30 तारीख की रात को ये अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ आया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी गुड़गांव से किया है। ये पिछले 1.5 साल से गुड़गांव में ही डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था।